लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ओर से चीन से लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आसमान में सेना के लड़ाकू विमान दिखने लगे हैं। वहीं कुछ दिनों से चिन्याली सोंड स्थित हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बीते दो दिनों से सीमा के सबसे निकटवर्ती चिन्याली सोंड हवाई अड्डे पर भी सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। यहां बड़ी संख्या में सेना के वाहन साजो सामान के साथ पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में सेना और प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बॉर्डर क्षेत्र में भेजा जाएगा। जब से ये गलवान इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे लेह सेक्टर में, अरुणाचल में, सिक्किम में और उत्तराखंड के भी दो तीन जो इलाके हैं, जैसे उत्तरकाशी और मानावाला है और पिथौरागढ़, इन सभी एरियाज़ में चीनी गतिविधियाँ बड़ी संख्या में देखी गई है। चीनी मूवमेंट, चीनी अपने जो है मिसाइल बेस बना रहा है, अपने एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने ट्रूप्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, उनकी नफरी बढ़ा रहा है। अर्थ मूवर्स जो रोड बनाने वाले इक्विपमेंट हैं, जैसे डोजर्स हैं, क्रेन्स हैं, जेसीबीज हैं, फोकलैंड है, इन सब का जमावड़ा वो इन सभी क्षेत्रों पे कर रहा है जो सीमाएं हमारे देश की लग रही है चाइना के साथ। और इसको देखते हुए हमारे जो मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये निर्णय लिया है कि हम भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और एक 1962 की जो इंसिडेंट था वो चाइना दोहरा ना सके, चीन उसको दोहरा ना सके, उसके लिए एक तैयारी के तौर पे इस मूवमेंट को देखा जा रहा है। और सभी क्षेत्रों पे उसको एक रणनीति के तौर पे, क्योंकि अभी जो है अगर आप देखेंगे कि विंटर्स आने वाली हैं और विंटर में रसद का जो मूवमेंट है वो बॉर्डर एरियाज़ में बहुत कठिन हो जाता है, और ऐसे में अगर चीनी सेना भी वहाँ डटी रहे या चीनी सेना कोई अपने नापाक इरादों को, मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करे, तो उसको एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास पर्याप्त रसद, गोला बारूद और बंदूकें होनी चाहिए वहाँ पे। उसी दृष्टि से इस समय ये मूवमेंट हो रहा है, जिसमें ट्रूप्स को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ में वहाँ पर जो असला बारूद है और जो बंदूकें हैं, जो एमुनिशन है, उस रसद को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले की 117 किलोमीटर सीमा चीन के साथ लगती है। इस बॉर्डर की अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान पूरी तरह मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। भारतीय सेना की एक बटालियन हर्षिल बेस कैंप में तैनात है। हालत है यहाँ के, किसी की हिम्मत नहीं किसी देश की, चाइना की भारत की तरफ फूटी आंख भी देख सके। देश का जो नेतृत्व है बहुत सबल नेतृत्व है, और जो है उनकी हिम्मत नहीं किसी की, अगर किसी ने आंख उठा के भारत की तरफ देखा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस देश को जो है नस्तनाबूद कर देंगे। और आज ठीक है, ये वायरस फैलाने वाले भी वही देश हैं और देश की सीमाओं में जो हलचल मचाने वाले भी वही देश हैं। हमारी सेना तैयार है, हमारी फौज तैयार है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इस बॉर्डर से कभी चीनी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन चीन के साथ तनातनी के बीच सेना इस बॉर्डर पर भी पूरी सतर्कता बरत रही है। यही कारण है कि बीते मई माह से लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बाद से ही यहां सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते कुछ दिनों से जिले के आसमान में भारतीय सेना के विमान उड़ान भरते दिख रहे हैं। उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।